नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पर्यटन विभाग कराएगा कम खर्च में बिहार के इन टूरिस्ट स्थानों का भ्रमण। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलने वाले पैसों के लिए इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। बाढ़ और जल निकास योजना के तहत सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। बिहार में लू का येलो अलर्ट जारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएफ ने 247 पदों के लिए निकाली भर्ती। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निदेशालय के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कम्युनिकेशन स्टेप में हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए कुल 247 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 22 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023 निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कम से कम 60% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही मैट्रिक के साथ 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर 22 अप्रैल के बाद और 12 जुलाई से पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर्यटन विभाग कराएगा कम खर्च में बिहार के इन टूरिस्ट स्थानों का भ्रमण। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कम खर्च में बिहार के पर्यटन स्थल का भ्रमण कर सके तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल पर्यटन विभाग के द्वारा बेहद ही कम खर्च में बिहार के पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण कराएगा। इसके लिए विभाग की ओर से समर स्पेशल एक दिवसीय टूर पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें पटना, पावापुरी, ककोलत और पटना के लिए टूर पैकेज तैयार किया गया है। इस बारे में पर्यटन विभाग के प्रबंधक सुमन कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस टूर पैकेज के लिए बुकिंग की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस पैकेज के तहत ₹2,000 प्रति व्यक्ति में वातानुकूलित बस ट्रैवलर, इनोवा से सैर करने वाले व्यक्ति को 2500 और इटियो से सैर करने वाले व्यक्ति को ₹3,000 प्रति व्यक्ति देने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बस प्रत्येक शनिवार और रविवार को खुलेगी। इस पैकेज के तहत पर्यटकों को निगम की ओर से गाइड, ब्रेकफास्ट और लंच की सुविधा दी जाएगी। इस पैकेज से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप 8544418314 और 8544418 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मानस बिहारी वर्मा के बारे में। मानस बिहारी वर्मा हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में एक भारतीय वैमानिक वैज्ञानिक सहायक थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बिहार में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोबाइल साइंस लैब का शुभारंभ किया। 2010 में शुरू की गई उनकी मोबाइल साइंस लैब परियोजना के माध्यम से विज्ञान और कंप्यूटर प्रशिक्षकों की एक टीम वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रदर्शित करने और कंप्यूटर सीखने के लिए स्कूलों का दौरा किया गया। 2018 में भारत सरकार ने उन्हें वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा क्रमशः प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया था। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ साफ है, अब नियुक्ति शुरू होगी। पहले चरण के 2 लाख से ज्यादा युवाओं को शिक्षा विभाग नौकरी दे रही है। सरकार ने जो वादा किया था निभा रही है। अन्य विभाग की भी वैकेंसी निकली है। 5 लाख युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, इससे युवाओं को खुश होना चाहिए। वहीं उन्होंने शिक्षक नियमावली को लेकर हो रहे विरोध को लेकर कहा कि आखिर शिक्षक परीक्षा देने से क्यों भाग रहे हैं, यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज हम सब एक प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, पुराने शिक्षकों को भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दे रहे हैं, तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द विज्ञापन जारी कर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ट्रेन में अब नहीं मिलेगी मनचाहा सीट, रेलवे ने बदला नियम। अक्सर ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों के द्वारा अपनी मनचाही सीट की खोज की जाती है और इस चक्कर में महीने भर पहले से ही टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाती है। लेकिन अब रेलवे के द्वारा कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत अब लोगों को उनकी मनचाही सीट नहीं मिलेगी। दरअसल रेलवे की ओर से जो नया नियम बनाया गया है उसके तहत अब यात्री लोअर बर्थ की सीट को बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यह सीटें दिव्यांग या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रिजर्व रहेगी, ताकि उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके। बता दें कि इसके लिए रेलवे की ओर से आदेश भी जारी
जारी कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार स्लीपर क्लास में दिव्यांगों के लिए 4, नीचे की 2 और ऊपर की 2, थर्ड एसी की 2, इकोनॉमी की 2 सीटों को आरक्षित किया गया है, जबकि गरीब रथ ट्रेन में नीचे के 2 और ऊपर के 2 सीटों को रिजर्व किया गया है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को बिना मांगे लोअर बर्थ दिया जाएगा। बिहार आईटीआई कैट 2023 के लिए इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन। अगर आप बिहार आईटीआई कैट 2023 की परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इसके लिए कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BCECE के द्वारा बीते सोमवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 13 मई 2023 तक जारी रहेगी। ऐसे में इच्छुक कैंडिडेट्स के पास आवेदन करने के लिए 13 मई 2023 तक का समय है। कैंडिडेट्स आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है तो उसमें सुधार करने के लिए 15 और 16 मई निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि इसके लिए परीक्षा का आयोजन 11 जून को किया जाएगा। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने 40 फरियादियों की सुनी समस्याएं। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित की गई थी। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 40 लोगों की समस्याएं सुनी गई और साथ ही उस समस्याओं का हल करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बता दें कि इस दौरान किशनगंज जिला से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि 20,000 की आबादी का गाँव बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, इसलिए उसके लिए उचित उपाय किया जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरा मामला कटिहार जिले से आए एक व्यक्ति का था, जिसने सीएम को बताया कि विधायक फंड से वर्ष 2019-20 में पथ निर्माण कराने का टेंडर किया गया था, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिस पर सीएम ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुपौल जिले से आए एक व्यक्ति ने कहा कि उनके पिताजी की मृत्यु नौकरी के दरमियान हो गई थी, लेकिन अब तक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी मामलों का त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस तरह मुख्यमंत्री के द्वारा 40 मामलों को सुलझाया गया। दरभंगा में एम्स को लेकर मंत्री संजय झा का बड़ा बयान। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा हनुमाना नगर प्रखंड में समाधान सभा और सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के समय बिहार के दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में दरभंगा में ही एम्स का निर्माण होगा और इसको पूरा करने का लक्ष्य 4 वर्ष का रखा गया है। उन्होंने बताया कि दरभंगा में बनने वाले इस एम्स अस्पताल में MBBS की 100 सीटों, BSc नर्सिंग की 60 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा और साथ ही MD MCH जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी होंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग 40 वर्षों से बाढ़ और जल जमाव से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब यहां एम्स का निर्माण होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलने वाले पैसों के लिए इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। अगर आपने भी BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और अब आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए पैसों की जरूरत है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि यह राशि प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मई 2023 तक निर्धारित की गई है, यानी कि जिन उम्मीदवारों के द्वारा अब तक प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन नहीं किया गया है उनके पास 3 मई 2023 तक का अंतिम समय है। वे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fts.bih.nic.in/ebc/scholarship/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बेला पैलेस के बारे में। बेला पैलेस दरभंगा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बेला पैलेस दरभंगा जिले में मुख्य शहर में स्थित है। यह राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह जी का निवास स्थान है। राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह महाराजा धीरज कमलेश्वर सिंह के भाई थे। यह महल बहुत सुंदर है। इस महल के पास ही में एक छोटा गार्डन बना हुआ है जिसे बेला गार्डन कहते हैं। यहाँ पर एक तालाब भी देखने के लिए मिलता है। राज बहादुर विश्वेश्वर सिंह को जानवरों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने घर में रॉयल बंगाल टाइगर को पालतू जानवर के जैसे पाल रखा था। उनके पास मगरमच्छ और घड़ियाल भी थे। यह महल बहुत सुंदर है और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस महल को आप बाहर से देख सकते हैं। यह अब एक सरकारी ऑफिस है। यह दरभंगा में देखने लायक एक मुख्य जगह है।
मोतिहारी शराबकांड को लेकर हुआ खुलासा। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें कि बीते दिन सीआईडी के एडीजी जितेंद्र कुमार के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए यह बताया गया है कि शुरुआती जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि माफियाओं के द्वारा शराब बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि माफियाओं के द्वारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मंगवाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिस शराब के पीने से लोगों की मौतें हुई हैं उसमें और कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया गया था वह FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल कई बातों पर जांच चल रही है जिन्हें जांच के जाने के बाद ही शेयर किया जा सकेगा। अब तक 7 लाशों का पोस्टमार्टम किया जा सका है और इनके बिस्तरा को प्रिजर्व किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले को लेकर 5 केस दर्ज किए गए हैं और 25 लोगों पर कार्रवाई चल रही है। थावे महोत्सव में गायिका प्रियंका सिंह से हुए दुर्व्यवहार पर बोली अक्षरा सिंह। बिहार के गोपालगंज में सुप्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर के पास स्थित होमगार्ड फील्ड में आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन गायिका प्रियंका सिंह के द्वारा हुए दुर्व्यवहार को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के द्वारा ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने लिखा है कि एक कलाकार के साथ इतना गिरा हुआ व्यवहार बहुत निंदनीय है। बहुत ही भाग्य से ईश्वर किसी को कलाकार के रूप में जन्म देते हैं। कहने को सभ्य समाज की महफिल पर अभद्रता की पराकाष्ठा। देखिए कैसे अपने प्रभाव का खुद तमाशा दिखा रहे हैं ये लोग। भूल गए कि मंच की मर्यादा और एक लड़की उससे पहले कलाकार की इज्जत सरेआम कर रहे हैं। जब भी किसी भी कलाकार की बात आएगी तो मैं ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों का खुल के विरोध करूंगी। स्टेज पे माइक छीन रही ये औरत भी शायद ये भूल गई है कि एक औरत हो के औरत का अपमान कर रही है, धिक्कार है। मेरा विरोध है ऐसे आयोजकों का। बता दें कि प्रियंका सिंह का उस कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें गाने के दौरान ही एंकर ने गायिका को रोक दिया और डीएम को सम्मानित करने के लिए बुलाने लगे। इस दौरान एक शख्स ने आकर गायिका के हाथ से माइक को छीन लिया, जिसके बाद अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर प्रियंका सिंह फूट फूट कर रोने लगी। बिहार के 534 सीओ की मार्च महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अंचल अधिकारियों से लेकर DSLR और राजस्व MDM के कामों की समीक्षा करते हुए मार्च 2023 की रैंकिंग जारी की गई है। बता दें कि जारी की गई इस रैंकिंग में बिहार के जिन 5 अंचल के द्वारा सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया है उनमें सबसे पहले स्थान पर 96.05 अंक के साथ बांका जिले के अमरपुर अंचल है। वहीं दूसरे स्थान पर बांका का बेलहड़ अंचल, तीसरे नंबर पर पूर्णिया का श्रीनगर, चौथे नंबर पर बांका का फूली डूमर और पांचवें नंबर पर बांका जिले का रजौन अंचल है। इसके अलावा जिन 5 अंचल के द्वारा सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है उनमें नीचे से पहले स्थान पर मुजफ्फरपुर का पारू अंचल, दूसरे नंबर पर पटना का पुनपुन, तीसरे नंबर पर मधुबनी का अंधराठी, चौथे नंबर पर सिवान का सिसवन अंचल और नीचे से पांचवें नंबर पर मधुबनी का बासोपट्टी अंचल है। बाढ़ और जल निकासी योजना के तहत सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। बिहार में बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। ऐसे में कई बार तटबंधों में सीपेज, पाइपिंग, रिसाव, कटाव, क्षरण जैसी घटनाएं घटित होती है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसा उपाय किया गया है जिसके तहत इससे जुड़ी किसी भी जानकारी को आदान प्रदान किया जा सकता है। दरअसल बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा बाढ़ और जल निकासी योजना के तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिस पर संपर्क कर बाढ़ अवधि में तटबंधों में सीपेज, पाइपिंग, रिसाव, कटाव, क्षरण की सूचना का आदान प्रदान किया जा सकेगा। बता दें कि जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है वह 1800-345-6145 है। बता दें कि इस बात की जानकारी IPRD के द्वारा ट्वीट शेयर करके दी गई है। शाहनवाज हुसैन MLA शैलेंद्र समेत 4 को कोर्ट ने किया 14 साल बाद बाइज्जत बरी। कोर्ट के द्वारा एक मामले को लेकर 14 सालों के बाद अपना फैसला सुनाते हुए दर्ज मुकदमे को झूठा ठहराकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, वीरपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र समेत लोगों को 4 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद शाहनवाज हुसैन के द्वारा सत्यमेव जयते कहा गया, यानी कि सत्य की जीत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान का है। उस दौरान चुनाव में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अरशद फिरोज के द्वारा 15 मार्च 2009 को नवगछिया के झंडापुर में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पान की दुकान में शाहनवाज हुसैन और विधायक इंजीनियर शैलेंद्र की तस्वीरों को पोस्टर टंगे होने का केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर मंत्री शाहनवाज हुसैन, बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, पान दुकानदार दिव्यांग मंटू कुमार मोदी और व्यास मिश्र को आरोपी बनाया गया था।
बिहार में लू का येलो अलर्ट जारी। बिहार के निवासियों को लू से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि राज्य में कम से कम 5 स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया है। राज्य सरकार के बिहार मौसम सेवा केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 3-4 दिनों में प्रचंड लू की स्थिति रहने की संभावना है। IMD पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में लू सहित भीषण गर्मी का दौर 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक पछुआ हवा की मजबूत स्थिति और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश तक चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र बने होने और आर्द्रता में कमी आने के कारण लू जैसे हालात बने हुए हैं। इन मौसमी प्रभाव को देखते हुए अगले 4 दिन तक प्रदेश में लू का प्रभाव बने होने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में 1-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी भी होगी। बिहार के राज्यपाल का काफिला हुआ दुर्घटनाग्रस्त। बीते दिन हाजीपुर के भगवानपुर के रतनपुरा गांव के पास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि इस हादसे में दमकल की गाड़ी पलट गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हालांकि घायल हुए लोगों का हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बता दें कि इस घटना को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार राज्यपाल के काफिले में दमकल की गाड़ी चल रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर रॉन्ग साइड में चली गई और सवारी से भरे ऑटो से टक्कर हो गई, जिसके बाद दमकल और ऑटो चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं एक सवारी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान राज्यपाल और उनके सुरक्षा कर्मी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी गाड़ी दमकल की गाड़ी के पीछे थी। बता दें, खबर लिखे जाने तक इस मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई थी। व्यवहारगिरी पर्वत पर भीषण आग। नालंदा के राजगीर के व्यवहारगिरी पर्वत के करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम के द्वारा खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि इस हालात पर नजर खुद नालंदा के DM शशांक शुभंकर, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास अहलावत और जू सफारी राजगीर के निदेशक हेमंत पाटिल के द्वारा रखा जा रहा है। मालूम हो कि इनके निर्देशन में व्यवहारगिरी पर्वत की तलहटी स्थित कोणार्क नगर से अग्निशमन दस्ता के द्वारा पाइप से पानी का छिड़काव किया गया और हर संभव कोशिश की गई कि आग पर काबू पाया जा सके। बता दें, खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका था। हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गर्मी के कारण पेड़ों की टहनियों में आपसी घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न होने या फिर तेज हवा के चलते पत्थरों के आपस में टकराने के कारण आग लगी होगी। राज्य के इतने प्रतिशत स्कूल बिना चहार दीवारी के। RTI कार्यकर्ता राकेश कुमार राय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य भर में 54.76% ऐसे स्कूल है जो बिना चहार दीवारी के है। बता दें कि कार्यकर्ता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य भर में कुल 75,466 सरकारी और गैर सरकारी स्कूल है, जिनमें से 69,785 स्कूल ऐसे है जिनके पास अपना भवन है, लेकिन इनमें से 31,552 स्कूल ऐसे है जिनके चहार दीवारी नहीं है। बता दें कि 31,552 स्कूल में सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूलें शामिल है। मालूम हो कि बिना चहार दीवारी इन स्कूलों में 1,392 स्कूल ऐसे हैं जिनकी चहार दीवारी टूटी हुई है। बता दें कि बिहार के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा बिना चहार दीवारी वाले स्कूल है, उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी, गया, समस्तीपुर और रोहतास शामिल है। सम्राट चौधरी ने CM नीतीश से मांगा इस्तीफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4,4,00,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने के निर्णय के बाद BJP लगातार उन पर हमलावर है। बता दें कि इसको लेकर बिहार BJP के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा CM नीतीश पर हमला करते हुए कहा गया है कि नीतीश बाबू, आपने कब विधायक दल की बैठक बुलाई जो अब ये फैसला ले लिया? सरकार को लोकतंत्र से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सारे कामों में पलटी मारने का काम किया है। जहरीली शराब में 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं कल छोटे छोटे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने RCB को 8 रन से हराया। बीते दिन IPL के 16वें सीजन के 24वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा फाफ डुप्लेसिस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में 8 रनों से मात दे दी गई। बता दें कि RCB के द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा बेंगलुरु के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 226 रन बनाया गया।
वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा बनाए गए इस रन का पीछा करते हुए बेंगलुरु के द्वारा 20 ओवर में 8 विकेट पर 218 रन बनाए गए और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 8 रनों से हार गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलुरु की ओर से डुप्लेसिस के द्वारा धमाकेदार 33 गेंद पर 62 रन बनाया गया तो वहीं मैक्सवेल के द्वारा ताबड़तोड़ 36 गेंद पर 76 रन बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ सीएसके पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने 1612 में मुमताज से निकाह किया। सन 1853 में एशिया की पहली ट्रेन बॉम्बे से तन्ना तक चलाई गई। वर्ष 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई। महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया। विनोबा भावे ने 1950 में आंध्र प्रदेश अब जो तेलंगाना के पंचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। सम्राट अशोक नामक देश का पहला जम्बो जेट विमान 747 सन 1971 में मुंबई में उतरा। सुरेश सेन उर्फ मास्टर दा और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के 62 लोगों ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। सन 1991 में केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। भारत और मैक्सिको ने 2008 में नागरिक उड्डयन और ऊर्जा के क्षेत्र में नए समझौते किए। पाकिस्तान ने 2008 में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को फांसी की सजा को एक महीने के लिए टाला। आज के दिन को ही विश्व विरासत दिवस और आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालघर में आज हम बात करेंगे लॉटरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लॉटरी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या आपको भी लॉटरी संबंधित संदिग्ध मैसेज, ईमेल या कॉल प्राप्त हो रहे हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसे फर्जी लॉटरी संबंधित संदेशों, कॉल और ईमेल के प्रति सावधान रहे, ये ठगों द्वारा आर्थिक धोखाधड़ी के प्रयास होते हैं। व्हाट्सएप पर अनजान यूजर से ऐसे छुड़ाए पीछा। मेटा का पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप करोड़ों यूजर्स का पसंदीदा ऐप है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कांटेक्ट में रखना यूजर की मजबूरी होती है या ना चाहते हुए भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाना पड़ता है जहां उसकी भागीदारी न के बराबर होती है। ऐसे में अगर किसी ऐसे कॉन्टैक्ट द्वारा ग्रुप बनाया जाए तो यूजर को परेशानी ही होती है। हालांकि ग्रुप क्रिएट करने की सुविधा के साथ ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स को उनकी प्राइवेसी बनाए रखने का विकल्प ग्रुप में देता है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा। ऐप पर तीन वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करना होगा, प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा, यहाँ ग्रुप्स पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद यूजर को तीन ऑप्शन मिलते हैं, एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट्स और माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट। अगर यूजर एवरीवन पर क्लिक करते हैं तो कोई भी व्हाट्सएप यूजर आपको अपने ग्रुप का हिस्सा बना सकता है। माय कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो केवल आपके कॉन्टैक्ट में मौजूद यूजर्स आपको किसी ग्रुप का हिस्सा बना पाएंगे। इसके अलावा माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट पर उन यूजर्स को चुन सकते हैं जिनके बनाए ग्रुप का हिस्सा आप नहीं बनना चाहते। जातिगत गणना और 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की मांग सियासत में जोरों पर। पूरे देश में जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण के बैरियर को समाप्त करने के लिए सियासत जोरों पर देखी जा रही है। बता दें कि अपने कर्नाटक रैली के दौरान 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की मांग राहुल गांधी द्वारा भी की गई थी, लेकिन वहीं इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी रखी। दरअसल इस मामले पर नीतीश कुमार द्वारा कहा गया है कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना की जाएगी, तब तक हम केंद्र को रिपोर्ट भेज देंगे, और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सारी चीजों पर फैसला लेना तो केंद्र का काम है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम नवी मांझी, श्रीकांत कुमार, प्रमोद राम, बिट्टू कुमार राज, अनवर करीम खान, रवि कुमार राम, शिवनाथ प्रसाद यादव, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, अभिषेक राज, योगेंद्र रजक, मुबारक अली, रविशंकर, गौतम कुमार, लालचंद लाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों का अहम कारण क्या हो सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।